हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अब मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और इसके साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता जो कि मेरा रेडी हो गया है। आपको क्या खाना है? आयान के लिए मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो खाएंगे नहीं। इसको पता नहीं क्या होता, अगर गोभी का पराठा बनाओ तो ये खा लेगा। आयान ऐसे करे जा रहा है। आटे का खेलना शायद हर घर में हर बच्चे का होगा। जब मम्मा खाना बनाएगी ना तो बच्चों को आटा चाहिए चाहिए होता है। क्या बनाना है आपको आटे का? सब्जी बनानी है मम्मी? नहीं नहीं, मम्मा को खाना बनाने दो। नहीं बेटा, क्या लेना है? क्या ये वाला आटा दूं? ये वाला दे दूं? क्या ये मम्मा किसे बनाएगी फिर? आप जाओ, मम्मा अभी अंदर लेके आ रही है, जाओ। आनो बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। ये क्या लगा रखा अभी इसे? खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं और इधर देखिए ये रेडी हो गई है, ये जा रही है। इसके ना सोनी के घर पे थी ये होली पे, तो इसकी स्कूल की ड्रेस वही रखी हुई है और कल इसको जाना है स्कूल, और तो बस वही सामान लेने ये जा रही है। आयन चेक कर रहा है कि खुशी बैग में नहीं, क्या लेके जा रही है। अब जाओगे? नहीं अभी नहीं, पापा आ जाए ना जब जाना। ठीक है, अभी धूप हो रही है, गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ने लग गई है और दोपहर का बज रहा है अभी 1:30। खुशी आनो, तुम इधर आओ, दीदी को जाने दो, आ जाओ। आनो इधर आओ, आ जाओ। आयान मेरा ना खुशी चली जाती है तो इसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये अकेला रह जाता है। आ जाओ, अंजू के पास चलो, अंजू के पास चलोगे? आ जा। आओ इधर, आवाज सुनो। मिलानी इधर आओ, मम्मा देखेगी फिर। आ जाओ। आयान अपने सूज है, चप्पल है, ऐसे कोने में ठूस देता है और फिर जब इसको कहीं जाना होता है, पहनना होता है ना, तो मिलता नहीं है जल्दी से। पता नहीं आपको कहाँ रखे हैं। चलिए अभी छत पे चलते हैं, कुछ सामान मैं रख के आई थी धूप में, वो उठा के लाती हूँ। कौन कहाँ है? आयान मेरे ऐसे काम करेगा। कहाँ पड़ा है? देखो मेरे आयान ने ना फोन देखिए कहाँ पे डाल रखा है, निकालो उसको। अब पता नहीं किसका फोन आ रहा था, निकालो। ये कोई जगह रखने की है? ये कभी कभी ऐसे काम करेगा, मैं चीज ढूंढती रहूंगी और पता लगता है कभी चीज मेरी बेड के नीचे पड़ी होगी, कभी सिराने के पीछे पड़ी होती है। नहीं निकलना है? नहीं।
सूख गया क्या? सूख गया क्या? सूख गया फिर तो मीट पत्थर इकट्ठे करने लग गए हो हैं? अयान ऊपर आते ही ना ईंट पत्थर में लग जाता है। ऊपर आई हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं गरम गरम हवा चलती है ना, ऐसा मौसम हो रहा है तो गर्मी का एहसास होने लग गया अभी से। थोड़े दिन बाद ना ऊपर आने का मन भी नहीं करेगा गर्मी में बिल्कुल भी। ये तो सही कर लो अपना पेंट। और अयान देखिए कैसे आराम से बैठा हुआ है। पन्नी डाल के कौन बैठता है चारपाई पे? है बेड है। अयान ने तो ना छोटे से खटोले को बेड बना लिया है। चलो अब नीचे चलते, काम हो गया अपना। चलो आ जाओ। अंजू के घर चलो। अंजू के घर क्या करोगे? पौधों में ना थोड़ा सा पानी डाल दूं क्योंकि सूख रही है काफी। पानी पी लो पहले, पानी पी लो पहले। गर्मी में ना ज्यादा प्यास लगती है, जब तक पसीना ना निकले ना, जब तक अगर ठंडे मौसम में रहो ना तो प्यास भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। एक घंटा पूरा हो गया मुझे ऊपर, अब जाके मैं उतर के आई। पानी पी लो, आप देखो पी लिया। और अभी बच चुके हैं साथ, और हम माँ बेटे दोनों अकेले ही हैं तो समझ नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि खुशी भी चली गई है और अयान की डैडू आज 2 दिन हो गए हैं घर पे नहीं है वो, तो अकेली हूँ मैं। तो अब मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। सबसे पहले तो मैं, ये है उड़द की दाल, तो मैं इसको भिगोऊंगी क्योंकि कल मुझे बनानी है चंदियाँ, जो दही बल्ले बनाते हैं ना वैसे ही चंदियाँ भी बनती हैं, जो आपने देखा होगा मैंने घर में बनाई थी, तो वो उड़द की दाल की बनती है। तो मैं ये दाल भिगोऊंगी अभी, और उसके बाद पूरी रात ये भीग जाएगी अच्छे से, फिर मैं बनाऊंगी। सब्जी वाला खड़ा है, जा रही हूँ अयान के लिए केले ले लूँ क्योंकि खत्म हो रहे हैं। पैसे तो ले आओ वापस। ऐसे तुम भागते हो क्यों? मैं कभी भी सब्जी लूँ या फ्रूट लूँ कोई भी चीज़ लूँ तो मेरे अयान को पैसे देने होते हैं अपने हाथ से। अगर मैंने पैसे दे दिए तो अयान पैसे लेके वापस लाएगा, फिर दोबारा अपने हाथ से देने जाएगा, है ना? क्या हुआ, चोट लगी? तो अब मैं जा रही हूँ, मैं करूँगी आज अपने कपड़े प्रेस, और कपड़े प्रेस करने में मुझे इतना सर दर्द लगता है, शर्टें मेरे से प्रेस नहीं होती हैं, बाकी कितने भी कपड़े प्रेस करवा लो, कुर्तियाँ जीन्स या अयान के कपड़े, लेकिन मेरे से ना शर्ट प्रेस नहीं लगती है बिल्कुल भी, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे प्रेस लगाने में, और आज ना बुरा हाल हो रहा है मेरा, देखिए।
गर्मी आती है ना तो ऐसा लगता है कि सर्दी ठीक है, और सर्दी आती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी ठीक है। अलमारी मैंने ऐसे ठूंस के भर रखी, इतने कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े मेरे प्रेस वाले हैं, और ये कपड़े मुझे करीब लगेगा 2-2.5 घंटे लगेंगे जब जाके मैं कपड़ों पे प्रेस लगा पाऊंगी अपने। चलिए आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं ही एंड करूंगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि अब जो मुझे काम करना है उसमें लगेंगे करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, सिर दर्द मुझे लगता है ये तो। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक शेयर के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है ये तो। प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो तो कर दिया करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।